गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज आपसे एक ऐसे मुद्दे के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ जिसे सुनकर मैं खुद हैरान हूँ। राजस्थान में एक गर्भवती महिला जिनका नाम प्रवीण है, उनके बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। उनको डिलीवरी होने वाली थी और उसी वक्त उनको रेफर कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका उनके पति का जब नाम पूछा गया तो पता चला कि उनके पति मुस्लिम हैं और उनके पति का नाम इरफान है। ये सुनने के साथ साथ ही जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी जिनका नाम पुनीत वालिया है, उन्होंने जब ये सुना कि जो पेशेंट है वो मुस्लिम है, तो उन्होंने तुरंत अपने कलीग डॉक्टरों को बोला कि इनका रेफरल कार्ड बना दो और इनको यहाँ से रेफर कर दो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो एक मुस्लिम है। मतलब मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए और बेहतरीन मतलब काफ़ी शर्मनाक ये हरकत है कि हम डॉक्टर्स भी अब ये देख करके इलाज करेंगे कि पेशेंट हिंदू है कि मुस्लिम है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है मैं वो मानती हूँ गोदी मीडिया को। जी हाँ, मैंने पहली बार आज गोदी मीडिया बोला है क्योंकि मैं काफ़ी देख रही हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ों को ला रहे हैं सामने टीवी पे और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा दिन दूर नहीं कि जब हम तलवार लेके निकल जाएंगे रोड पर और एक दूसरे को काट दें, यही हमारा बाकी रह जाएगा। क्या ये चाहती है मीडिया हमसे? आप मुझे मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ, आप आए, आपने आगे संबोधन किया देश का, बहुत अच्छी बात है, पर आपने बोला दिया जलाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम दिया भी जलाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने ये कहाँ बताया कि हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस द कोरोना वायरस, द होल इंडिया, इज इंडिया प्रिपेयर्ड टू फेस कोरोना वायरस, हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड? डिड यू स्पोक अ सिंगल लिटिल वर्ड अबाउट इट? नो, यू डिड नॉट डिस्कस अबाउट इट। आप इसके बारे में आपने कोई डिस्कशन नहीं की, जबकि आपको इसके बारे में ही पूछना चाहिए था कि हमारा इंडिया, हमें बताना चाहिए कि कितना तैयार है कोविड 19 को फेस करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग इज गोइंग ऑन, ठीक, इट्स ओके, सब लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपने इस पर चर्चा क्यों नहीं की? और मीडिया से मैं पूछती हूँ, आपने अभी तक क्यों नहीं आप इस बात को उठा रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमारा इंडिया कितना रेडी है इस कोविड 19 को फेस करने के लिए? कितने डॉक्टर्स को पीपीई मिले हैं? आपको पता है पीपीई सेट जो है वो उसकी शॉर्टेज होगी, उसकी क्राइसिस चल रही है। 5 लाख पीपीई के लिए बोला गया था और मिलता कितना है डॉक्टर्स को? 10,000। क्या होगा उसमें? हम नॉर्मल मास्क पहन के और डॉक्टर्स नॉर्मल उस तरीके से ग्लव्स पहन के सामने जा रहे विदाउट दैट सूट, देन व्हाट विल हैपन? वो डायरेक्ट कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं इस तरीके से, डायरेक्ट अपनी जान को हथेली पे रख के वो मिल रहे हैं और कोरोना होने का उनको पूरा चांसेस है। एज यू नो कि आप स्नीज करते हैं, कुछ करते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस में, तो आपको कोरोना आराम से हो जाएगा। तो इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? एंड देयर इज वन मोर पॉइंट आई वांट टू आस्क टू आवर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सर, हाउ मेनी लाइक सेंटर्स यू हैव गॉट रेडी फॉर अस फॉर द कोविड 19 टेस्टिंग सेंटर? हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर इन इंडिया ऑल ओवर? आई थिंक ओनली 118 आई गेस। और इतने 135 करोड़ में सिर्फ 118 टेस्टिंग सेंटर्स आपने रेडी किए हैं, उससे क्या होगा? हमें आंकड़े पता ही नहीं चलेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि सीधे मौतें होंगी। मैं आपको अपने बिहार के बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे 38 जिले हैं जहाँ पे सिर्फ 3 सेंटर हैं कोविड 19 टेस्ट करने के लिए। अभी हमारे यहाँ कुछ बाहर से मजदूर आए थे, उसमें से 2 की डेथ हो गई, सीधा डेथ, और उनकी कोविड 19 टेस्ट बिना किए उनको दफना दिया गया, ये कह के कि अब तो ये मर ही गया, अब क्या करना, क्योंकि टेस्ट करने के लिए पटना भेजना होगा और उसके बाद ना गाड़ियाँ चल रही हैं ना कुछ चल रही हैं और बाहर निकलने से पुलिस मार रही है। क्या मीडिया का इस पर ध्यान नहीं जाता? आज सुबह की बात बता रही हूँ, मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसमें कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली फांसी लटक के और उसके बच्चे, वो जो खाने की हांडी होती है ना, उसके अंदर आधा घुसा हुआ उसका शरीर है बच्चे का, जैसे कि खाना ढूंढने के लिए, खाना भूख के इंतजार में वो बच्चा। क्या इन चीज़ों पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता? ये कैसा लॉकडाउन आपने किया है? और जहाँ तक बात है तबलीगी जमात की, अभी इसके बारे में मैं देख रही हूँ मीडिया बिल्कुल एकदम जैसे उनके पास और कुछ है ही नहीं, उनको रामबाण मिल गया हो और तबलीगी जमात को लेके वो बिल्कुल बोले जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं कि मैंने क्या बोला कि अब बस इतना ही बाकी है कि हम सभी रोड पर निकल जाएँ और तलवारें लेके एक दूसरे को काट डालें, बस यही बच गया है। मेरा ये कहना है कि क्या कोरोना वायरस को आप ये समझते हैं कि उसका कोई धर्म है? वो ना कोरोना वायरस ना हिंदू है ना मुसलमान है। प्लीज़ इस पर तो आप लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मीडिया से कि इसको आप लोग धर्म से ना जोड़ें।
जो जर्मनी में और जो इंग्लैंड में और जो भी स्पेन में या इटली में क्या तबलीगी जमात गए थे कोरोना फैलाने के लिए, चाइना में क्या तबलीगी जमात गए थे कोरोना फैलाने के लिए, फिर ये आपने क्यों सोच रखा है कि इंडिया में कोरोना वायरस को तबलीगी जमात ही फैला रही है? उन्होंने तो अपने होने की इन्फॉर्मेशन वहाँ के SHO को दी थी ना, खुद जा करके उन्होंने बताया कि हम लोग इतने लोग यहाँ फंसे हुए हैं। मुझे बताइए कि 8 बजे रात को लॉकडाउन होता है तो जो लोग जहाँ पर हैं किसी धर्मशाला में रुके हैं, या जैसे हम हिंदू समझेंगे कि वो धर्मशाला है, वो वैसे ही वो उनका हॉस्टल है, तो जो जहाँ पे रुके हैं वो तो वहीं पे रह जाएंगे ना। 8 बजे आपने घोषणा की कि लॉकडाउन 12 बजे से शुरू हो रहा है, तो वो लोग फंस गए वहाँ पे। और उन्होंने बाकायदा जिम्मेदार के साथ अपना आके बताया भी है कि हम इतने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये क्या सोचना है कि अब तबलीगी जमात ये ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, क्यों छुपे रहेंगे? ये इसको धर्म से आप बिल्कुल ना जोड़ें, और ये बहुत ही गलत पहलू है मीडिया का, इसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह से आप लोग ना करें। ये बहुत ही मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।